चैप्टर 6 चार्ज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस मतलब चार्ज को रजिस्टर हमें कराना होता है। किसको हम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कहाँ पे कराते हैं? आरओसी के पास। आरओसी के पास हम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कराते हैं। उसके बारे में ये चैप्टर है कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हैं तो हम उसको कैसे रजिस्टर कराते हैं। अब हम सब कुछ देखेंगे, चार्ज क्या है, हमें चार्जेस कैसे क्रिएट करते हैं हम किसी भी प्रॉपर्टी पे, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होंगे। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, लीन और इंटरेस्ट को हम चार्ज बोलते हैं या फिर इसकी मीनिंग देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स चार्ज, डिफरेंस क्या है फ्लोटिंग चार्ज में एंड फिक्स चार्ज में। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर रजिस्ट्रिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज सेटिस्फैक्शन कराने के क्या क्या स्टेप्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप चार्ज रजिस्टर नहीं कराते हो आरओसी के पास। द पीनल प्रोविज़न इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, पीनल प्रोविज़न क्या है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट वो देखेंगे डिफ़ॉल्ट के केस में। चैप्टर ओवरव्यू, चार्ज मीनिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 2 सबसेक्शन 16, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज सेक्शन 77, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज 78, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सो यहाँ पे मीनिंग, ड्यूटी टू रजिस्टर किसकी ड्यूटी है चार्ज रजिस्टर कराने की वो, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हम चार्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए कब हम एप्लीकेशन देते हैं, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, डेट क्या है नोटिस ऑफ चार्ज ही कब से हम मानते हैं कि चार्ज जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कैसे हो जाता है, जब हम पेमेंट कर देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी लोन इंटरेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग अगर पेमेंट करते हो, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कैसे होता है। पनिशमेंट एंड रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्ज, जो पनिशमेंट है एंड रेक्टिफिकेशन कैसे होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में। इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखो, द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हैज़ बीन डील्ड इन चैप्टर 6। ये हमारा चैप्टर 6 है। देखो जो हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मैटर ना, इसमें जितने भी चैप्टर्स वाइज लिखे हुए हैं ना एग्जैक्टली यही चैप्टर्स हैं लॉ के अंदर, ठीक है। तो आप चैप्टर को भी रेफ़र कर सकते हो, तो इन्होंने ऐसे ही करा हुआ है क्योंकि हमारा 6th चैप्टर है ये चार्ज का हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी और वैसे भी लॉ में भी। तो द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन डील्ड इन चैप्टर 6। लॉ में भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज किस चैप्टर में डील किया हुआ है, चैप्टर 6 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 77 से 87 तक एज वेल एज द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज रूल्स 2014 और ये भी उसके अंदर है। डेफिनेशन ऑफ चार्ज, अब देखो चार्ज क्या है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ज क्या है। चार्ज क्या है यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 हमारा कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लीन। चार्ज क्या है, इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज अ सिक्योरिटी इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। मतलब इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन अ प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन अ प्रॉपर्टी और एसेट्स और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग एज अ सिक्योरिटी इंक्लूड्स मॉर्गेज। मतलब मॉर्गेज भी एक चार्ज है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट, कोई भी अपनी अंडरटेकिंग, कंपनी अपनी अंडरटेकिंग एज अ सिक्योरिटी किसी के पास रखती है कि हम इस एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं बैंक को, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो पैसे लेती है, तो उस प्रॉपर्टी पे क्या होता है चार्ज क्रिएट हो जाता है। हम मॉर्गेज को भी चार्ज ही बोलते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कराना, जैसे डिवेंचर्स के केस में क्या होता है, जब भी सिक्योर डिवेंचर्स कंपनी इशू करती है तो उसमें क्या होता है कि उस सिक्योर डिवेंचर्स के केस में कंपनी अपनी जैसे बिल्डिंग मशीनरी या कोई किसी भी चीज़ को मॉर्गेज की तरह उनको बोलती है कि अगर हम आपके पैसे नहीं दे पाए तो आप इसको बेच करके अपने पैसे निकाल सकते हो, तो उस पर क्या होता है चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ को एज अ सिक्योरिटी बोलते हैं, हम यूज़ मैं ही कर रही हूँ, यूज़ कंपनी ही कर रही है, ठीक है, बट उसको एज अ सिक्योरिटी मैंने दे दिया कि तुम अपने पैसे मुझे दो, उसके बदले ये सिक्योरिटी है, ठीक है, इसको मैं तुम्हारे पास रखती हूँ, यूज़ मैं कर रही हूँ, बट इन केस अगर मैं तुम्हारे इंटरेस्ट लोन वगैरह में डिफ़ॉल्ट करती हूँ तो तुम्हारा राइट बनता है कि तुम इस सिक्योरिटी को बेच करके अपने पैसे निकाल लेना।
तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है? चार्ज की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है. चार्ज चार्ज मीन्स एनी इंटरेस्ट और लीन, ठीक है, एनी इंटरेस्ट और लीन्स क्रिएटेड ऑन अ प्रॉपर्टी और एसेट्स और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग. एनी इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन अ प्रॉपर्टी और एसेट्स और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग. एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग इट्स क्या? कंपनी. एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग एज अ सिक्योरिटी इंक्लूड्स मॉर्गेज. हम उसको क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे. मतलब कोई भी इंटरेस्ट लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज. चार्ज मॉर्गेज भी क्या है? चार्ज है. अब देखो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स, हाईलाइटेड में क्या है? चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लीन. चार्ज को हम क्या बोलते हैं? चार्ज क्या है? इंटरेस्ट और लीन है. चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लीन. इट इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी. ये किस पे क्रिएट किया जाता है? किसी भी कंपनी के प्रॉपर्टी पे, उसके एसेट्स पे, मशीनरी, बिल्डिंग, क्या बोलते हैं, उसके इन्वेंट्रीज पे भी इवन हम क्रिएट करते हैं. जो मूवेबल चीज़ें होती हैं वो कंपनी यूज़ कर रही होती है बट उस पे चार्ज क्रिएट होता है. तो एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग किसी भी चीज़ पे, किसी भी एसेट पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे, एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग पे अगर हम उसको एज अ सिक्योरिटी रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? चार्ज. इट इज़ क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ. इट इज़ क्रिएटेड एज अ सिक्योरिटी. ये कैसे क्रिएट किया जाता है? सिक्योरिटी की तरह, फॉर पेमेंट ऑफ अ लोन. मतलब लोन के पेमेंट में अगर इनकेस कंपनी डिफॉल्ट करती है तो जो सामने वाली पार्टी है वो उसको बेच करके अपने पैसे निकाल लेगी. चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज. चार्ज का चार्ज में क्या आता है? मॉर्गेज भी चार्ज में आता है. ठीक है, तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हो गई? एनी इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन अ प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग इंक्लूड्स एज अ सिक्योरिटी इंक्लूड्स मॉर्गेज. तो ये आपका क्या है? चार्ज है. तो ऐसे चार्ज को कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया है. व्हेनेवर अ कंपनी बोरोस लोन इंक्लूडिंग टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. कभी भी कंपनी जब बोरो करती है लोन, व्हेनेवर अ कंपनी बोरोज लोन बाय वे ऑफ लोन्स, बोरोज मनी बाय वे ऑफ लोन्स इंक्लूडिंग टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स और एनी अदर पर्संस. किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, बैंक से ले या किसी भी पर्सन से ले, बाय ऑफरिंग इट्स प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी को ऑफर करते हुए, अपने एसेट्स को ऑफर करते हुए एज अ सिक्योरिटी, और चार्जेस क्रिएटेड. तो क्या होता है? चार्ज क्रिएट हो जाते हैं ऑन सच प्रॉपर्टी और एसेट्स इन फेवर ऑफ द लेंडर. लेंडर के फेवर में क्या होता है? चार्ज क्रिएट हो जाता है. सच अ चार्ज इज कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ये चार्ज कंपल्सरली मतलब मैंडेटरी है आपको रजिस्टर कराना. ठीक है, कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल है ये, आप इसको रजिस्टर कराओगे अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 6 एंड द रूल्स मेड इन दिस रिगार्ड. इसके रिगार्डिंग जो भी रूल बने हैं चैप्टर 6 में के हिसाब से आप चार्ज को क्या कराओगे? रजिस्टर कराओगे. कंपलसरी हो जाता है जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो. आपको क्रिएट करते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है विद इन 30 डेज. आगे हम देखते हैं. अभी 30 डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया. रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस. देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डीम्ड, मतलब मानना एक तरीके से, और नोटिस का मतलब नॉलेज. तो कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो हम क्या बोल लेते हैं? ये एक तरीके से डीम्ड नॉलेज है. जैसे भी जैसे ही किसी चार्ज हम किसी भी प्रॉपर्टी पे क्रिएट करते हैं तो हम बोलते हैं, और आरओसी के पास जब हम इसको रजिस्टर करा देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया. मतलब जिस दिन हमने प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कराया है ना, उसी दिन से आरओसी के पास जिस दिन हमने रजिस्टर कराया उसी दिन से हम मान लेते हैं कि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया और सबको इस बात की नॉलेज है. मतलब बाद में उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए अगर कोई बंदा आता है जिस पे चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कंपनी ने लोन ले रखा है या चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उस बंदे ये माना जाएगा कि उस बंदे को इस बात की नॉलेज थी. ठीक है, सो वही यहाँ पे यही कह रहे हैं. ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये डीम्ड नॉलेज माना जाता है कि जब भी आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो हम मान लेते हैं कि आपको इस बात की नॉलेज थी. बाद में वो बंदा बोले कंपनी को कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीद लिया, मुझे लॉस हो गया, अब तुम इसको दो. तो कंपनी मना करेगी, नहीं नहीं ये तो डीम्ड नोटिस है यार, जिस दिन मैंने चार्ज को रजिस्टर करवाया आरओसी में उस दिन ये माना गया था कंपनीज एक्ट के हिसाब से कि सबको पता है कि हाँ इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है. अब तुम इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो तो ये तुम अपने डिस्क्रिप्शन पे तुमने खरीदी है, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, कंपनी के इस केस में कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी.
क्योंकि ये एक डीम्ड नॉलेज माना जाता है। सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले सेक्शन 80 क्या कहते हैं हमारा, ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। सारे चार्जेस जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हैं वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। दिस मीन्स दैट एनी पर्सन हु विशेज टू लैंड मनी टू द कंपनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच प्रॉपर्टी और बाय इट कैन रेफर टू द MCA पोर्टल। मतलब ऐसा अगर कोई बंदा चाहता है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदे तो उसको MCA की पोर्टल पे जाकर के देखो एंड फाइंड आउट इफ देयर इज एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन दैट एसेट्स। पता करो कि उस एसेट पे जो तुम खरीदने वाले हो उस पे कोई चार्ज क्रिएटेड है या नहीं है। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कंपनी नहीं चीख चीख के बताएगी कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएटेड है। कंपनी का बस इतना फ़र्ज़ है कि वो जाकर के ROC में चार्ज को रजिस्टर कराएगी और जिस दिन वो रजिस्टर कराती है उसी दिन से मान लिया जाता है कि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक MOA एंड AOA। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट, याद रखो, एनी डॉक्यूमेंट फाइल विद द रजिस्ट्रार, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हो ना, इसका मतलब क्या है, वो किस कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह काम करता है। जब आप MOA AOA भी फाइल करते हो तो ये कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह काम करता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव मीन्स डीम्ड, कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया डीम्ड और नोटिस का मतलब हो गया नॉलेज। तो एक तरीके से जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट, यही कह रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर दैट एनी डॉक्यूमेंट फाइल विद द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह काम करता है जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल कराते हो। कंस्ट्रक्टिव मीन्स डीम्ड, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, डीम्ड। नोटिस का मतलब क्या होता है, नॉलेज। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस मीन्स डीम्ड नॉलेज। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या हो गया, डीम्ड नॉलेज। मतलब ये माना जाएगा कि आपको इस चीज़ की नॉलेज थी। दिस मीन्स इवन दो द थर्ड पार्टी हैज़ नॉट रेफर्ड टू द पब्लिक डॉक्यूमेंट ही वुड स्टिल बी कंसीडर्ड और डीम्ड टू हैव सीन इट। आप अगर थर्ड पार्टी ऐसी कोई चीज़ से डील भी करता है और वो कहता है कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, तो हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि नहीं आपको ये नॉलेज थी, क्योंकि कंपनी का काम बस इतना था कि ROC के पास फाइल करा दे। जिस दिन उसने ROC के पास फाइल करा दिया उस दिन से वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस बन गया और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको इस बात की नॉलेज थी। अब आप कंपनी पे क्लेम नहीं करोगे कि आपने नहीं बताया, कंपनी बता देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताती है तो भाई आपका काम था चेक करना, करो चेक जा करके, पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो। इतनी दिस इज़ बिकॉज अ डीमिंग प्रोविजन क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन। इसका मतलब क्या है, डीमिंग प्रोविजन क्या क्रिएट करता है, लीगल फिक्शन क्रिएट करता है। दिस प्रिंसिपल इज कंटेन्ड इन सेक्शन 80। ये प्रिंसिपल कहाँ पे है, सेक्शन 80 में, विच स्टेट्स दैट एनी चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77 एनी प्रोविजन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी। ऐसा कोई भी प्रोविजन जो ऐसी प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो, एसेट्स अंडरटेकिंग और पार्ट देयर ऑफ और एनी शेयर और इंटरेस्ट देयर इन शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। आप कोई भी वी आर एनी चार्जेस क्रिएटेड अंडर सेक्शन, जब भी हम कोई चार्ज सेक्शन 77 के अंतर्गत क्रिएट करते हैं, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी को कोई भी पर्सन खरीदता है, एक्वायर करता है, एसेट्स अंडरटेकिंग और इसके पार्ट को भी अगर कोई खरीदता है, थोड़े से शेयर को भी अगर कोई खरीदता है, इंटरेस्ट को कोई खरीदता है, शैल बी डीम टू हैव नोटिस। तो ये माना जाएगा कि आपके पास इस बात की नॉलेज थी। शैल बी डीम टू हैव नोटिस का मतलब क्या, नॉलेज। आपको इस बात की नॉलेज थी ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन कंपनी ने ROC के पास फाइल कराया उस दिन से आपको नॉलेज थी, ये माना जाएगा। आपने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्यों नहीं चेक किया, आपकी गलती है। दस एवरी पर्सन प्रपोजिंग टू डील विद अ कंपनी शुड वेरीफाई वेदर द एसेट हैज एनी चार्ज बाई गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड ऑफ चार्ज मेंटेन एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज बिफोर एंटरिंग इन टू द ट्रांजेक्शन। सो एवरी पर्सन प्रपोजिंग टू डील, जब भी कोई पर्सन ऐसी चीज़ों से डील करता है विद द कंपनी शुड वेरीफाई, उसको वेरीफाई करना चाहिए वेदर द एसेट हैज़ एनी चार्ज, क्या एसेट पे कोई चार्ज है, बाई गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड ऑफ चार्ज। मतलब आप रिकॉर्ड ऑफ चार्ज को देखते हुए इसको पता करो, मेंटेन एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। ये कहाँ मेंटेन किया जाता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार में मेंटेन किया जाता है, उधर जाके पता करो कंपनीज बिफोर एंटरिंग इन टू द ट्रांजेक्शन। ये नहीं कि मुंह उठा के ट्रांजेक्शन करने के लिए आ गए, बाद में कह रहे कि हमें तो बताया ही नहीं, डिपार्टमेंट जाके चेक करो खुद, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन केस ही एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी, अगर कोई भी बंदा ट्रांजैक्शन में एंटर करता है विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी एंड लेटर ऑन सफर्स लॉस, बाद में वो लॉस सफर करता है बिकॉज ऑफ चार्ज, ही कैन नॉट क्लेम द लॉस, वो लॉस को बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकता फ्रॉम द कंपनी फॉर इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैड नोटिस ऑफ चार्ज। कंपनी ये मानेगी कि भाई आपको पता था, आपको आपसे ये उम्मीद की जाती थी कि आपको इसकी नॉलेज होगी,
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. यू विल अप्रिशिएट दैट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो एक्ट्स एज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग अ कंपनी फ्रॉम ऑफरिंग द सेम एसेट्स एज अ सिक्योरिटी टू बोरोज बोरो फंड फ्रॉडुलेंटली फ्रॉम अ डिफरेंट लेंडर. एक तरीके से ये एक मतलब क्या बोलते इससे भी बचाता है कि कंपनी सेम एसेट को अगर कोई एक बार चार्ज किसी एसेट पे क्रिएट है तो उसको दोबारा ऑफर ना करे. अब ऐसा है कि एक ही बिल्डिंग पे कंपनी ने SBI से लोन ले लिया और फिर बाद में किसी अदर पर्सन से गई लोन लेने सेम प्रॉपर्टी पर, कहती है हम नहीं हम तो इसको एज अ सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हैं आपके पास, मतलब एज अ सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं और फिर आप हमें पैसे दे दो. तो सेम मतलब दो बार इस पर कंपनी पैसे नहीं ले सकती, राइट. तो एक तरीके से ये क्या करता है, प्रिवेंट भी करता है, ठीक है, कंपनी को रोकता है कि सेम प्रॉपर्टी को वो दो बार ऑफर ना करे किसी को. तो ये एक तरीके से बचाव का भी काम करता है कि किसी भी क्या बोलते हैं लेंडर के साथ धोखा ना हो जाए. तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल वन, विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड ऑब्टेन अ टर्म लोन. विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड टर्म लोन लेता है और 50 लाख 50 लाख रुपये का फ्रॉम बीटा कमर्शियल बैंक लिमिटेड से, ठीक है. ये विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड किससे पैसे लेता है, बीटा कमर्शियल बैंक लिमिटेड से, बाय क्रिएटिंग अ चार्ज, चार्ज को क्रिएट करते हुए ऑन वन ऑफ इट्स ऑफिशियल बिल्डिंग, अपनी ऑफिशियल बिल्डिंग को पे चार्ज क्रिएट करता है ये. एंड द चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड, टाइम पे ये रजिस्टर्ड भी करवा देता है. लेटर ऑन इफ द बिल्डिंग इज सोल्ड टू नीरज, बाद में अगर ये बिल्डिंग नीरज को बेची जाती है, ही इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ सच चार्ज. तो ये माना जाएगा कि उसको नॉलेज थी कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट है अगर नीरज खरीदता है इस बिल्डिंग को. तो इन अदर वर्ड्स नीरज को नॉलेज होनी चाहिए. In other words, it is presumed that Neeraj knew beforehand that the building was mortgaged to bank for obtaining a loan. मतलब ये माना जाएगा कि नीरज के पास पूरी नॉलेज थी कि ये बिल्डिंग जो है बैंक के पास एज अ मॉर्गेज रखी हुई है. He cannot plead against such presumption by contending that he did not know about the charge. वो ऐसे नहीं बोल सकता कि अरे मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी. If he suffers any loss, अगर वो कोई लॉस सफ़र करता है तो बंदे बोलते थे नहीं अरे मुझे तो पता ही नहीं था इन्होंने धोखा दिया. नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलोगे आप. एट अ लेटर डेट बिकॉज ऑफ द मॉर्गेज, मॉर्गेज तो आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो नीरज से ये उम्मीद की जाती है कि नीरज को ये बात पता थी. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.